मूवी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड को देखते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है और दर्द में होती है। असल में हमारी मेन लीड जीन प्रेग्नेंट होती है और वो बहुत जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। यहाँ पर नर्स उसे काम डाउन करने की बहुत कोशिश करती है और आखिर में हमारी शीन एक बच्चे को जन्म देती है। यहाँ पे नर्स उसे बताती है कि उसे बेबी गर्ल हुई है और उसके चेस्ट पर एक हार्ट शेप का बर्थ मार्क भी है। जैसे ही नर्स उसे वहाँ से लेके जाती है, डोर से निकलते ही कोई उसके बच्चे को छीन लेता है और हमें पता नहीं होता कि आखिरकार ये लोग कौन हैं। और इतने में ही नर्स उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एक बॉडीगार्ड उसे साइड में ले जाता है। इसके बाद में वो भागकर शीन के पास जाती है और शीन को सारी सच्चाई बताती है। शीन ये सारी बातें जानने के बाद भागते हुए दरवाजे से बाहर निकलती है। वो उन्हें पीछे से देख रही होती है, वो उनका पीछा करने की कोशिश करती है और उन्हें रोकने की भी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो दर्द के मारे रोने भी लगती है। इतने में ही एक लड़का वहाँ पर भाग कर आता है और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। तो वो नर्स को समझ आ जाता है कि उसके बेली में अभी भी एक बच्चा है। तो फिर वो दोनों रूम में चले जाते हैं। इतने में ही हम हमारी फ्यूचर वाली शीन को देखते हैं, जो कॉल पर अपने दोस्त से बात कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम पता लगाओ कि आखिर मेरी बेटी कहाँ पर है और ध्यान रखना कि उसके ऊपर एक हार्ट शेप का बर्थ मार्क है, जिससे तुम समझ जाओगे कि वो असल में मेरी बेटी है और वो अपने बच्चे के साथ कैफे में होती है, जहाँ पर हमारा मेन लीड भी आता है, जिसकी बेटी उसे बोलने लगती है कि डैड, मेरा बर्थ मार्क को वॉश करना बहुत ज़रूरी है क्या? यानी कि उसका ग्रैंडमा चाहती है कि उसका बर्थ मार्क निकल जाए। तो फिर उसके डैड उसे बोलने लगते हैं कि जाओ और अपनी ग्रैंडमा से बोल दो कि ये बर्थ मार्क निकालना ज़रूरी नहीं है, ये बर्थ मार्क असल में एंजल का किस साइन है। हमें यह पता चलता है कि हमारा मेन लीड ब्लाइंड डेट पर जा रहा होता है और फिर वो जाकर शीन के टिपर पर अपनी बेटी के साथ में बैठ जाता है, जहाँ पर वो शीन को अपनी इनकम, अपने घर के बारे में और अपने कार के बारे में बताने लगता है। इतनी सारी वेल्थ होने के बाद भी वो उसे बोलता है कि मैं गरीब हूँ। फिर उसकी बेटी भी बोलती है कि हाँ, मैं भी गरीब हूँ, मुझे बस 1000 रुपीज़ डेली का पॉकेट मनी मिलता है। तो फिर शीन मन में सोचने लगती है कि ये लोग अपना वेल्थ शो ऑफ करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो फिर वो लड़का उसे पूछने लगता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो शीन बोलती है कि तुम लोग अचानक से यहाँ पर आके बैठ गए हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो फिर वो लड़का पूछता है कि आप यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आई हो ना। तो शीन वहाँ पर शॉक हो जाती है। इसके बाद में शीन का बेटा टेबल से उतरकर मिस्टर गु की बेटी को बताने लगता है कि उसकी मम कितनी ब्यूटीफुल और कितनी प्रिटी और कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड है। तो फिर मिस्टर गु की बेटी भी शुरू हो जाती है कि मेरे डैड भी कुछ कम नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और लोगों की केयर भी करते हैं। तो फिर शीन का बेटा बोलने लगता है कि अगर तुम्हारे डैड मेरी मॉम से शादी करेंगे तो वो ब्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे मिस्टर को की बेटी भी बोलने लगती है कि अगर तुम्हारी मॉम मेरे डैड से शादी करेंगे तो फिर वो भी ब्लेस हो जाएंगी। इन सब के बाद में शीन मिस्टर गु को बताती है कि ये सारी चीजें एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, असल में उनका टेबल नंबर 9 नहीं 6 है। और इतने में ही वहाँ पर किसी की एंट्री होती है, जो उससे बोलने लगती है कि तुम वही हो ना जिसे मैंग फैमिली से निकाल दिया गया था। और वो मिस्टर गु की बेटी की चिन को टच करती है तो शीन उसका हाथ वहाँ से हटा देती है और यहाँ पे वो शीन को बुरा भला बोलने लगती है। तो शीन गुस्से में आकर उसे एक तमाचा मार देती है। इतने में ही उसे गुस्सा आने लगता है तो वो शीन को मारने वाली होती है, लेकिन वापस से शीन उसे थप्पड़ लगा देती है और पीछे से दोनों बच्चे उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इतने में ही शीन उसे बोलने लगती है कि मैं तुम्हें एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं वो पुरानी वाली 5 साल पहले वाली शीन तो बिल्कुल नहीं हूँ जो तुम्हारी बात और ताने सुन कर लेगी। और इतने में ही वहाँ पर उस बंदी का हस्बैंड तियांग आ जाता है। फिर वो बंदी अपने हस्बैंड को बोलने लगती है कि इसे देखो, ये कब से मेरी बुराई किए जा रही है, तुम्हें इससे मेरे लिए रिवेंज लेना ही होगा।
तो फिर वो उसे कार में वेट करने को बोलता है और कहता है कि तुम कार में जाओ, इसका ख्याल मैं रख लूंगा। इसके बाद में तियांग शिन को बोलने लगता है कि तुम ये सारी चीजें छोड़कर मेरे साथ चलो और मेरे साथ अपना लाइफ स्पेंड करो, मैं तुम्हारी लाइफ बहुत इजी बना दूंगा। और वो शिन को उटपटांग चीजें बोलने लगता है। शिन गुस्से में आकर उसके ऊपर वाइन फेंक देती है, जिस गुस्से में तियांग उसे मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा मेन लीड मिस्टर गु उसे बचा लेता है। और यहाँ पर एक बार फिर दोनों बच्चे मिलकर मिस्टर गु को भी उसी तरह सपोर्ट करने लगते हैं। इसके बाद में वो तियांग बोलने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो, मैं मिस्टर गु वाली कंपनी का प्रेसिडेंट का सबसे फेवरेट पर्सन हूँ और मैं तुम्हारी हालत पतली कर सकता हूँ। तो फिर मिस्टर गु हंसते हुए एक किसी को कॉल लगाते हैं और बोलने लगते हैं कि कोई यहाँ पर प्रिटेंड कर रहा है कि वो प्रेसिडेंट का मिस्टर फेवरेट है, तो इसे जल्द से जल्द पता लगाया जाए। और इतने में ही वहाँ पर उसके सेक्रेटरी और बॉसेस आ जाते हैं और फिर तियांग को वो वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर कु बहुत ही ज़्यादा रिच इंसान है। यहाँ पे शीन से पूछती है कि तुम मिस्टर गु को कैसे जानते हो, और वह सारी बातें बता करने लगती है। तो फिर मिस्टर गु से बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस उसका फ्रेंड हूँ। और यहाँ पे मिस्टर गु झूठ बोलता है और मिस्टर गु शीन को शादी करने के लिए पूछता है, और यहाँ पे शीन भी उसे थप्पड़ मार देती है, जहाँ पे मिस्टर गु की बेटी उसे रोकने की कोशिश करती है और मिस्टर गु को चांस देने को बोलती है। तो फिर भी शीन एक सोच में पड़ जाती है। यहाँ पर शीन इसकी बात मान जाती है और बोलने लगती है कि ठीक है, लेकिन अगर मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। इसके साथ साथ में मिस्टर गु भी उससे एग्री कर लेता है। इन सभी के बाद में मिस्टर गु की बेटी मैंग मैंग उसे पूछने लगती है कि डैड, आप दोनों ने तो अब शादी कर ली है, तो आप मॉम को सच्चाई क्यों नहीं बताते कि आप कंपनी के प्रेसिडेंट हो और आप वो सारी कंपनी ओन करते हो। तो मिस्टर गु से बोलने लगते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी मम्मी सच में तुम्हारी मम्मी बनने के लायक है या फिर नहीं। और सेम चीज़ दूसरी तरफ भी चल रही होती है, जहाँ पे शीन का बेटा उससे पूछ रहा होता है कि मॉम, आप डैड को सच क्यों नहीं बता देती कि आप ग्रुप की चेयरमैन हो। तो फिर शीन भी सेम चीज़ बोलती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि वो इंसान तुम्हारा डैड बनने के लायक है या फिर नहीं। इतने में ही हम एक ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर गु का सेक्रेटरी होता है और मिस्टर गु की बहन भी वहाँ पर आ जाती है। वो पूछने लगती है कि देखा, मुझे पता ही था, ऑनलाइन डेटिंग ऐप से मैंने जिसकी डेट फिक्स की थी 1 मिलियन पे करके मिस्टर गु ने वहीं पर शादी की। तो वो सेक्रेटरी बोलने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसे पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है, तो उसकी बहन खुश होकर बोलने लगती है कि अब मेरे पास एक बेटी और बेटा दोनों है। और वो सारी बातें उसकी मॉम को कॉल कर बताने लगती है। और इतने में ही शीन उस रूम में एंट्री करती है, तो सब उसके बारे में बुरा बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पर शीन की सिस्टर वापस से खड़ी हो जाती है और एक बार फिर से शुरू हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम कितने गरीबों वाले कपड़े पहन कर आई हो और यहाँ पर मुफ्त का खाना खाने आई हो, तुम्हें मिंग फैमिली से निकाल दिया, इसके बाद भी तुम्हें कोई शर्म नहीं है। तो शीन का बेटा बोलने लगता है कि मम्मी, किसी में से तो जलने की बदबू आ रही है। और उसकी सिस्टर उसके बेटे को चिल्लाने लगती है, तो फिर शीन गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारने लगती है। और फिर उसकी मम्मी भी वहाँ पर उठ जाती है, जहाँ पर शीन उसकी मॉम को भी एक थप्पड़ लगा देती है और बोलने लगती है कि 5 साल पहले तुमने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स डाले थे, जिसकी वजह से मैं मिस्टर मिंग के फैमिली से निकल चुकी थी। और वो टीवी पर उसका CCTV फुटेज प्ले करने लगती है, तो सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। लेकिन उसके डैड गुस्से में आकर वो वीडियो नीचे फेंक देते हैं और बोलने लगते हैं कि तुमने सब दिनों में से मेरा बर्थडे ही चुना, जहाँ पर तुम मेरा बर्थडे खराब करना चाहती हो। तो फिर शिन बोलती है कि मैं तो बस सबको सच्चाई बता रही हूँ। और इसके बाद में उसका डैड बोलने लगता है कि तुमने जो मुंह काला किया है उस चीज़ का क्या। और यहाँ पर सब में झगड़ा होने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके डैड को भी सारी सच्चाई पता थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी हेल्प नहीं की और उल्टा उसके डैडी उसे थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं कि अब से मेरी शिन नाम की कोई भी बेटी नहीं है।
यहाँ पर बॉडीगार्ड शीन पर हमला कर देते हैं और जैसे ही शीन की मॉम उसे मारने वाली होती है, इतने में मिस्टर गु अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें बोलने लगते हैं कि शीन ने हमारे फैमिली में और वो उन्हें बोलने लगते हैं कि शीन ने हमारे फैमिली में शादी की है तो वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। जहाँ पर उसके डैड हंसने लगते हैं और इतने में ही मिस्टर गु का सेक्रेटरी बहुत सारे गिफ्ट्स वहाँ पर लेकर आ जाता है जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर वो उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि ये है मिस्टर गु, गूफ कंपनी के प्रेसिडेंट और ये है इनकी वाइफ मिस्टर शीन। और ये सारी बात जानकर उसके डैड लालची बन जाते हैं और उसकी मॉम भी और वो तीनों अच्छे बनने का नाटक करने लगते हैं। फिर मिस्टर गु बोलते हैं कि लगता है आपको ये सारी चीज़ें अब नहीं चाहिए क्योंकि आपने शीन के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। जहाँ पर उसका डैड उसे बताने की कोशिश करता है लेकिन शीन भी उन्हें वहाँ पर डैड बोलने से इनकार कर देती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं लेकिन मिस्टर गु बाहर निकलते ही शीन को झूठ बोलने लगते हैं और कहने लगते हैं कि रियल लाइफ में मैं मिस्टर गु हूँ ही नहीं, मिस्टर गु असल में मेरा बचपन का बहुत प्यारा दोस्त है और हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उसने आज तुम्हारी और मेरी जान बचा ली। और यहाँ पर शीन के जाने के बाद मिस्टर गु अपने सेक्रेटरी को बोलने लगते हैं कि उन लोगों ने शीन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है तो फिर वो लोग बैंक करप्ट हो जाने चाहिए। इसके बाद में मिस्टर गु शीन को लेकर अपने घर पर आते हैं और बोलने लगते हैं कि कुछ दिनों के लिए हमें इस विला में रहना होगा क्योंकि मेरा छोटा सा घर अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और मिस्टर गु मन में बोलने लगता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे बेटे को सच में प्यार करती है या फिर सिर्फ ये पैसों के लिए यहाँ पर आई है। तो फिर शीन भी मन में सोचने लगती है कि अगर ये इंसान सच में अच्छा होगा और मेरी बेटी का ख्याल रखेगा तो मैं इसे अपने बड़े से घर में रहने के लिए लेकर जाऊंगी, लेकिन तब तक मुझे नाटक करना होगा। और फिर शीन उसे बोलने लगती है कि क्या हम मिस्टर गु के घर पे जा सकते हैं, उन्हें थैंक यू बोलने और उन्हें कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स देने क्योंकि उन्होंने हमारी जान बचाई है। तो फिर गु घबरा कर बोलने लगता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हम जा सकते हैं। और इतने में ही मिस्टर गु को उसकी मॉम और उसकी बहन का कॉल आने लगता है और वो दोनों वीडियो पे बात करने लगते हैं। और इसके बाद में जैसे ही उसकी बहन घर से बाहर निकलती है कोई उसे अचानक से किडनैप कर लेता है और दूसरी तरफ शीन बच्चों को स्टोरी सुनाकर सला रही होती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो उठती है वो बाथरूम के अंदर जाती है जहाँ पे वो मिस्टर गु को देखती है और उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाती है और इतने में ही मिस्टर गु उसे देख लेते हैं तो फिर वो छुप जाती है। फिर इसके बाद में मिस्टर गु दरवाज़ा खोलते हैं और गलती से शीन का हाथ मिस्टर गु के चेस्ट पर चला जाता है तो फिर मिस्टर गु उसका हाथ पकड़ कर बोलने लगते हैं कि तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो। जहाँ पर शीन उसका हाथ छोड़कर भाग जाती है और मिस्टर गु बोलते हैं कि कितनी क्यूट दिखती है वो। इतने में ही शीन अपने बेटे और बेटी को पूछने लगती है उनके होमवर्क के बारे में। जहाँ पर मैंग मैंग बोलने लगती है कि मेरा होमवर्क तो मेरी ग्रैंड माँ के घर पर है तो फिर उसको उसका भाई चिढ़ाने लगता है कि तुम तो झूठ बोल रही हो, तुमने होमवर्क नहीं किया है और तुम बहाना दे रही हो। तो फिर मैंग मैंग बोलने लगती है कि मॉम आप चाहो तो मैं आपको हमारी ग्रैंड माँ के घर पर ले जा सकती हूँ जहाँ पर आपको हमारा होमवर्क मिलेगा। यहाँ पर शीन सोच में पड़ जाती है कि ये मिस्टर गु की मॉम के घर पर अपना होमवर्क क्यों रखती है, क्या ये लोग इतने क्लोज है। इसके बाद में वो लोग उनके घर पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा उसे देखकर बोलने लगती है कि तुम तो बड़ी खूबसूरत हो। और फिर वो लोग अंदर आते हैं और इसके बाद में ग्रैंडमा उसे थैंक यू बोलती है यहाँ पर आने के लिए और बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आई होती तो मुझे मेरी डॉटर इन लॉ कभी देखने को ही नहीं मिलती। यहाँ पर शीन कंफ्यूज हो जाती है कि मिस्टर गु की मॉम ने असल में उन्हें डॉटर इन लॉ क्यों बोला। तो फिर मिस्टर गु की मॉम घबरा कर बोलने लगती है कि असल में जिसके साथ तुमने शादी की है वो भी मेरा बेटे जैसा ही है और वो दोनों बचपन से बहुत गहरे दोस्त हैं, इसके लिए मैं उसे अपना बेटा ही मानती हूँ तो तुम मेरी डॉटर इन लॉ ही तो हुई ना। इसके बाद में वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर वो पूछने लगती है कि तुमने ऐश के साथ शादी क्यों की, वो तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है और उसके पास इतना पैसा भी नहीं है। तो शीन बोलने लगती है कि पैसों का कौन देखता है, अगर वो इंसान एक अच्छा पर्सन हो
तो उसे कोई भी शादी करना चाहेगा और इतने में ही वहाँ पर मैंग मैंग आ जाती है अपना होमवर्क लेकर। और जैसे ही शीन वहाँ से जाने लगती है, मिस्टर गु वहाँ पर आके बोलने लगते हैं कि मॉम मैं वापस आ गया, और शीन ये सुनकर शॉक हो जाती है। तो फिर मिस्टर गु नाटक करने लगते हैं कि क्या मेरी मॉम यहाँ पर नहीं है। तो फिर उसकी मॉम बोलने लगती है कि नहीं नहीं तुम्हारी मॉम तो फिलहाल घर पर नहीं है। तो फिर शीन उनसे पूछने लगती है कि आखिर चल क्या रहा है। तो मिस्टर गु उससे बताते हैं कि मेरी मॉम असल में नैनी है यहाँ पर, और मैं बचपन से ही मिस्टर गु के घर पर रहा हूँ, इसके लिए हम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। इसके बाद में उसकी मॉम सबको बैठने के लिए बोलती है, और जैसे ही वो लोग बैठते हैं तो फिर मिस्टर गु को किसी का कॉल आता है, जो कॉल पर बोलने लगता है कि तुम्हारी बहन हमारे साथ है। और यहाँ पर मिस्टर गु शीन को कहता है कि तुम बच्चों का घर पर ध्यान रखो, मैं आता हूँ, यहाँ पर सबको सच्चाई पता चल जाती है। तो फिर शीन का बेटा उसे कहने लगता है कि मॉम आपको हमारे डैड की मदद करनी चाहिए। इसके बाद में शीन यान को कॉल लगाती है और उसे सारी सच्चाई पता करने के लिए बोलती है। और इसके बाद में हम शीन का एक नया रूप देखते हैं, जो गैंगस्टर जैसे रेडी होती है। और इतने में ही कोई वहाँ पर बाइक लेके दरवाजा तोड़ कर आ जाता है और उस बच्ची को छोड़ने के लिए बोलता है, और वो कोई नहीं बल्कि हमारी शीन ही होती है, जो सबको बोलने लगती है कि तुम्हारे पास अभी ही मौका है, उसे छोड़ दो। और इसके बाद में उन सब में लड़ाई होने लगती है, जहाँ पे शीन एक एक करके सबको बहुत ज़्यादा मजा चखाती है। इतने में ही वो इंसान उसकी बहन को आग में डालने ही वाला होता है, लेकिन शीन उसे बचा लेती है। और उसकी बहन शीन को देखकर बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज हो जाती है। और इतने में ही बहुत सारी कार अंदर आ जाती है, जिसमें से मिस्टर गु बाहर निकलते हैं और वो उन दोनों को वहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन शीन वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर उसकी बहन को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होती है, जहाँ पर उसे लगने लगता है कि शीन एक लड़का है, क्योंकि उसने अपने बाल बांध रखे थे। और फिर वो अपने भाई से बोलने लगती है कि आप उसका पता लगाइए, क्योंकि मैं अगर किसी से शादी करूँगी तो वो सिर्फ वही लड़का होगा जिसने मेरी जान बचाई है। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मिस्टर गु की बहन को चुराने वाला इंसान के पीछे असल में शीन की बहन का हाथ है, और ये सारी शतरंज उसने ही रची थी। दूसरी तरफ गु अपनी बहन को लेकर घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी मम बहुत ज़्यादा रिलीफ पाती है। फिर उसकी बहन उसे सारी सच्चाई बताने लगती है कि किस तरह से एक लड़के ने उसकी मदद की और उसकी जान भी बचाई। और शीन उसकी सिस्टर इन लॉ के बारे में पूछने लगती है कि आपकी वाइफ कहाँ पर है, और इतने में ही शीन आ जाती है सेम कमरों में, जहाँ पर उसकी सिस्टर उसे बोलने लगती है कि तुम ही हो जिसने मेरी जान बचाई थी और मैं तुमसे शादी करूँगी। तो फिर इतने में ही मिस्टर गु बोलने लगते हैं कि ये तुम क्या बोल रही हो, ये तो मेरी वाइफ है, जो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने लगती है। यहाँ पर मिस्टर गु की बहन बताने लगती है कि इसी ने मेरी जान बचाई थी। तो मिस्टर गु उसकी बहन को मार कर बोलते हैं कि क्या तुम थोड़ी सी बुद्धू हो, ये लड़का नहीं लड़की है। और शीन उन सबको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगती है और बताने लगती है कि वो सेल्फ ट्रेंड है, जो किसी के भी साथ मार पिटाई भी कर सकती है। फिर यहाँ पर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर शीन अपने दोनों बच्चों को सोने के लिए बोलती है। तो वो दोनों बोलने लगते हैं कि डैड आप भी मम्मी के साथ क्यों नहीं सोते, और यहाँ पर उसका डैड थोड़ा सा शर्मा जाता है। इसके बाद में शीन उन दोनों को लेकर चली जाती है। और दूसरी तरफ रात के टाइम शीन कॉल पर बात कर रही होती है और उन्हें बोल रही होती है कि क्या मेरी बेटी का कुछ पता लगा। तो फिर वो लोग बोलने लगते हैं कि फिलहाल तो कुछ नहीं, बट हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। फिर कॉल कट करने के बाद शीन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है। और यहाँ पर मिस्टर गु भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ दोनों बच्चे बेडरूम से निकलकर बोलने लगते हैं कि मुझे एक बहुत बुरा सपना आया है और मुझे अब दोनों के साथ में सोना है, जहाँ पर उसकी मॉम ना बोल देती है, लेकिन वो उसे बोलने लगती है कि हमेशा अपने बच्चे को मॉम डैड के साथ ही सोना चाहिए, जहाँ पर वो दोनों साथ में एक बेडरूम में बेड पर बैठे होते हैं और एक दूसरे को देख कर बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं, जहाँ पर उनके बच्चे उन्हें पीने के लिए पानी देते है। और फिर वो दोनों उनके बाजू में सो जाते हैं। और यहाँ पर शीन के सर में दर्द सा होने लगता है और वो अचानक से मिस्टर गु के ऊपर सो जाती है
और मिस्टर गू को भी कुछ चक्कर सा आने लगता है। तो फिर वो भी वहाँ पर सो जाते हैं, जहाँ पर उनके दोनों बच्चे वहाँ पर उठ जाते हैं और उन दोनों को प्रॉपर पोजिशन में सुला देते हैं। और जैसे ही वो दोनों सुबह उठते हैं, बहुत ज़्यादा शौक होकर एक दूसरे से तोड़ बैठ जाते हैं और उन दोनों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। और फिर इतने में ही दोनों बच्चे वहाँ पर आते हैं तो शीन उनसे पूछने लगती है, तो मैंगमैन उन्हें बोलती है कि मैं कभी नहीं चाहती कि आप मुझे छोड़ कर जाओ, और मैंगमैन उन्हें प्रॉमिस करने को भी बोलती है, तो फिर शीन उसे प्रॉमिस भी करती है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उसकी मॉम और उसकी बहन भी आ जाती है। फिर वहाँ पर उसकी मॉम मिस्टर गू को बोलने लगती है कि तुम्हें शिन से अब अपनी रियल आइडेंटिटी बता देनी चाहिए और तुम्हें उससे रियल में शादी कर लेनी चाहिए और उसके साथ अपनी लाइफ बितानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गू बोलने लगता है कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक शिन को उसकी बेटी नहीं मिली है, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करना चाहता हूँ। जहाँ पर मिस्टर गू की मॉम उसे मजाक में थप्पड़ लगाने वाली होती है, लेकिन मिस्टर गू उसे बोलने लगता है कि मॉम मैं अभी बड़ा हो गया हूँ और इतनी तो अकल मुझ में है ही। और मैगमैग जब दूध पी रही होती है तो उस पर वो गिर जाता है। जहाँ पर शीन उसे साफ कर रही होती है तो शीन को उसके चेस्ट पर लगा हुआ रेड हार्ट दिख जाता है और शीन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि रियल लाइफ में यही उसकी बेटी है। और यहाँ पर शीन सबको सच्चाई बताने लगती है और यहाँ पर मिस्टर गू की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐश भी मैंगमैंग की रियल मॉम को ढूंढ रहा था और तुम भी अपनी बेटी को, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। जहाँ पर उसकी बहन बोलने लगती है कि ये तो एकदम मूवीज़ की तरह हो रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि शीन की बहन वहाँ पर आकर मैंगमैंग को पकड़ कर रोने लगती है और बोलने लगती है कि मैंने अपनी बेटी को फाइनली ढूंढ ही निकाला। और फिर वो लोगों को सारी सच्चाई यानी कि झूठ झूठ बोलने लगती है। यहाँ पे उसके दोनों बच्चे रोकर बोलने लगते हैं कि ये रियल मॉम हो ही नहीं सकती। और फिर वो मन में बोलने लगती है कि एक बार मुझे मिस्टर गू से शादी कर लेने दो, उसके बाद में मैं तुम दोनों को पानी में डुबाकर मार दूंगी। और फिर वो और भी ज़्यादा रोने का नाटक करती है। जहाँ पे मिस्टर गू की बहन उसे बोलने लगती है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मिस्टर गू ऑलरेडी शादीशुदा है और उन्होंने शीन के साथ शादी कर ली है। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और मिस्टर गू का फ्रेंड उसे बाहर बात करने ले जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम शीन को डाइवोर्स दे दो और इसके साथ शादी कर लो। फिर मिस्टर गू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो फिर वो लोग वापस से अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे शीन बोलती है कि मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं है, मुझे बस मेरी बेटी से मिलना है। तो मिस्टर गू से बोलने लगते हैं कि तुम जब चाहो यहाँ पर मैंगमैंग से मिलने आ सकती हो। और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ शीन की बहन और मिस्टर गू का फ्रेंड बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो उसे बताता है कि अभी तक शीन को मिस्टर गू की रियल आइडेंटिटी पता नहीं है और एक बार फिर यहाँ पर ये दोनों बहुत ही खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मिस्टर शीन और मिस्टर गू दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर शीन गू से डाइवोर्स मांगती है और गू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इतने में ही वहाँ पर उसकी मॉम, बहन और दोनों बच्चे आ जाते हैं, जो कि रोते रोते बोलने लगते हैं कि हमें आप ही मॉम चाहिए, वो हमारी रियल मॉम हो ही नहीं सकती। यहाँ पे शीन उन्हें समझाने की कोशिश करती है तो मैंगमैंग उन्हें बताने लगती है कि ये निशान एक फेक निशान है और जब शीन उसे टच करती है तो वह निशान अचानक से गायब होने लगता है। और यहाँ पर मैंगमैंग बोलने लगती है कि वो औरत तो झूठ बोल रही थी। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू और शीन की बातें होने लगती है। तो मिस्टर गू बोलने लगता है कि जो भी कुछ उस औरत ने कहा वो सारी चीज़ें एक सच थी, लेकिन मुझे उस औरत का रियल फेस नहीं पता क्योंकि मैं तभी बहुत ज़्यादा नशे में था और किसी ने मुझे ड्रग्स दिला दिया था, तो फिर मुझे अच्छे से पता नहीं है कि आखिर वो औरत कौन है। यहाँ पर शीन भी खुद को बहुत ज़्यादा डाउट करने लगती है।
इतने में ही दोनों बच्चे वहाँ पर आकर बोलने लगते हैं कि हमारा स्कूल है और हमें लेट हो रहा है, तो फिर जल्दी करो। तो फिर शीन वहाँ से चली जाती है और उन्हें स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाती है और बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना और अच्छा भाई बहन बनकर रहना और एक दूसरे के साथ झगड़ा बिल्कुल भी मत करना। और जैसे ही वो लोग चले जाते हैं, इतने में वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है जो उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है और बोलने लगती है कि सिगू ने तुमसे झूठ कहा है और वो असल में अपनी बेटी की मॉम को ढूंढ रहे हैं जो असलियत में मैं हूँ और वो तो तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। जहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है और इतने में ही शीन को पता चलता है कि उसके बेटे ने किसी पर हाथ उठाया है, तो वो क्लासरूम में चली जाती है जहाँ पर टीचर उसे सुनाने लगती है। तो फिर शीन बोलने लगती है कि मेरा बेटा किसी के ऊपर हाथ उठा ही नहीं सकता। तो फिर वो अपने बेटे को पूछती है तो वो बोलता है कि उसने मेरा टॉय ले लिया था लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है। तो फिर शीन टीचर को भी समझाने की कोशिश करती है जहाँ पे टीचर उसे उल्टा बोलने लगती है और कहती है कि एक बिन बाप का बेटा ऐसा ही होता है, बहुत जिद्दी और झूठ बोलने वाला। तो फिर शीन टीचर पर गुस्सा होने लगती है और बोलने लगती है कि आप एक छोटे से बच्चे के सामने इतनी सारी बातें और इतना बुरा भला कैसे बोल सकती हो। और इतने में ही वहाँ पर उस बच्चे का डर आ जाता है जो शीन को बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और उसे बोलने लगता है कि तुम तो कितनी बेशर्म हो, एक तो इसका डैड नहीं है और तुम इसे एक अच्छी परवरिश नहीं दे सकती। इसके बाद में वो उसे बहुत बुरा भला बोलने लगता है और बोलने लगता है कि मैं गू कंपनी का हेड चेयरमैन हूँ। इसके बाद में वो इंसान बोलने लगता है कि तुम अभी अपने नीज पर बैठो और मेरे बेटे से माफ़ी मांगो, लेकिन शीन ऐसा नहीं करती। इतने में ही वहाँ पर मिस गू की बेटी मैंग मैंग आ जाती है जो शीन को मम्मी कहकर बुलाने लगती है और यहाँ पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उन दोनों को समझ में आने लगता है कि कहीं ये मिस गू की वाइफ मिसेस गू तो नहीं। तो फिर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर उसका डैड उससे माफ़ी मांगने लगता है और बोलने लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ जो अपनी पावर का मिसयूज़ करे। इतने में ही वहाँ पर शीन की बहन आ जाती है और मैंग मैंग को वहाँ से लेकर जाने लगती है जहाँ पर टीचर को समझ आने लगता है कि मैंग मैंग की रियल मॉम मिस शीन नहीं शीन की बहन है। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद में वो आदमी एक बार फिर से शीन को अपने पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने के लिए बोलता है और इतने में ही मिस गू वहाँ पर आ जाते हैं। तो फिर वो आदमी उससे उनकी आइडेंटिटी पूछने लगता है तो मिस गू बताते हैं कि मैं इसका डैड हूँ। तो फिर वो आदमी हंसने लगता है और बोलने लगता है कि इसे खुद को नहीं पता कि इसके रियल डैड कौन हो और तुम कह रहे हो कि तुम इसके रियल डैड हो, ये चौंकने वाली बात है। और वो उसे भी ऊटपटांगटी से बोलने लगता है। तो फिर मिस्टर को गुस्से में आकर उसके हाथ को मरोड़ देते हैं। फिर वो आदमी भी गुस्से में आकर कुछ गुंडों को बुलाता है और बोलने लगता है कि तुम यहीं पर रुको, वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही वो गुंडे आते हैं वो शीन को देखकर घबराने लगते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो वही गुंडे हैं जिन्होंने मिस्टर गू की बहन को किडनैप किया था और उन्होंने बहुत ज़्यादा मार भी खाई थी और फिर उसी आदमी को थप्पड़ मारते हैं और शीन से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर शीन उस आदमी को अपने बेटे से माफ़ी मांगने के लिए बोलती है और उसका बेटा उन्हें बोलने लगता है कि मॉम ये आपके ऊपर है, इन्हें माफ़ करना है या फिर नहीं, मैं तो अभी बच्चा हूँ। इसके बाद में वो उन्हें माफ़ कर देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही शीन बाहर निकलती है तो फिर उसकी बहन एक बार फिर से उसे उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है और इतने में ही मिस्टर गू वहाँ पर आ जाता है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। शीन के जाने के बाद उसकी बहन मिस्टर गू से बोलने लगती है कि मैंने सुना है मिस्टर गू का एक कंपनी कोलैबोरेशन वाला मीटिंग है, तो क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो। तो मिस्टर गू उसे मुंह पर बोल देते हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम खुद वहाँ पर चली जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेके नहीं जाने वाला हूँ। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शीन अपने दोस्त यान से मिलती है जो उसे बोलता है कि तुम्हें न्यू कोलैबोरेशन मीटिंग में आना ही होगा। शीन यहाँ पर नाटक करने लगती है और बोलने लगती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं नहीं जा सकती। दूसरे सीन में हम शीन को अपने दोनों बच्चे के साथ बात करते हुए देखते हैं
जाबल्स की डॉटर बोलने लगती है कि डैड को बिल्कुल भी नहीं पसंद कोई उनसे झूठ बोले, और अगर वो लेडी हमारे रियल मॉम होगी तो वो उन्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन अगर वो हमारे रियल मॉम नहीं निकली तो वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो फिर शीन उन दोनों को बोलने लगती है कि तुम ये सारी बातों पर ध्यान मत दो, मैं तुम्हारे लिए केक बनाती हूँ। तो फिर वो किचन में केक बना रही होती है, मिस्टर गु उसे देख कर वहाँ पर आ जाते हैं। तो जब शीन व्हिप क्रीम उठाती है तो वो व्हिप क्रीम गलती से मिस्टर गो के ऊपर गिर जाता है। मिस्टर गो उसे बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि केक कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे मिस्टर गो बहुत रोमांटिक वाली चीज़ें करने लगते हैं और उसे हल्का सा किस भी करते हैं, जहाँ पर शीन शर्माने लगती है और फिर उन दोनों में किस हो जाता है। उसी और शीन और उसका फ्रेंड और उसके दोनों बच्चे उस ऑडिटोरियम हॉल में पहुँचते हैं जहाँ पर उसके बेटे को पेस्ट्री खाना होता है। तो वो उसे पेस्ट्री देती है और इतने में ही वहाँ पर शीन की बहन आ जाती है और जाओ मैडम होती है, जहाँ पे उसकी बहन उसे बुरा भला बोलने लगती है। इसके बाद में वो उसे वाइन देती है और टोस्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन शीन उस वाइन को टेबल पर रख देती है, जहाँ पर जाओ मैडम की बेइज्जती हो जाती है। तो वो उन्हें सुनाने लगती है। इसके बाद में जब जाओ मैडम शीन पर हाथ उठाने जा रही थी तो फिर उसकी बहन बड़ी चलाकी से जाओ के नीचे पैर रख देती है, जिससे कि जाओ नीचे गिर जाती है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर उसकी बहन सारा इंतजार शीन पर लगाने लगती है और बोलने लगती है कि शीन ने ही इनको धक्का दिया है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर के बेहोश हो चुकी है। तो सभी लोग जाओ मैडम को वहाँ से लेके चले जाते हैं और वहाँ का मैनेजर सीसीटीवी का फुटेज लेकर आता है, जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि शीन नहीं उन्हें धक्का मारा है। तो शीन उन्हें बोलने लगती है कि ये सारी वीडियोस फेक है। तो फिर मैनेजर बोलने लगता है कि तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। और इतने में ही वहाँ पर साओ मैडम का हस्बैंड आ जाता है। तो फिर शीन की बहन बोलने लगती है कि शीन ही वो औरत है जिसकी वाइफ को मारा है, जहाँ पे उसका हस्बैंड अपने बॉडीगार्ड को शीन को मारने के लिए बोलता है। तो फिर शीन उसे एक पंच मारती है तो वो वहीं पर गिर जाता है। इन बोलने लगती है कि मैंने उन्हें टच तक नहीं किया है और ये मैं प्रूफ कर सकती हूँ, अगर आप मुझे 2 मिनट दो तो मैं सारी सच्चाई सामने ला सकती हूँ। तो उसकी बहन बोलती है कि चलो तुम्हें 3 मिनट देते हैं, देखते हैं कि तुम अपनी सच्चाई कैसे साबित कर सकती हो। और इतने में ही एंट्री होती है मिस्टर कोगी, जो ने बोलने लगते हैं कि कौन है जो इस पर इंजाम लगा रहा है। तो वो आदमी बोलने लगता है कि इस औरत ने मेरी वाइफ को मारा है और तुम कौन होते हो इस बीच में बोलने वाले। जस्ट बिकॉज ये बहुत खूबसूरत है इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इसे बचाने के लिए आ जाएगा। तो फिर वो बोलने लगता है कि हाँ ये खूबसूरत तो है और साथ ही साथ मेरी वाइफ भी। और इतने में ही शीन वो वीडियो को रिकवर कर लेती है, जहाँ पर वो उन सबको बताती है कि उसने ये सारी चीज़ें नहीं की है। तो फिर वो आदमी शॉक हो जाता है और मिस्टर गु उसे बोलने लगते हैं कि तुम्हें अपनी इस चीज़ के लिए पछतावा होगा। तो फिर वो आदमी बोलने लगता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या ही कर सकते हो। और इतने में ही उस आदमी को कॉल आने लगता है कि वो बैंकरप्ट हो गया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद में शीन अपने फ्रेंड यान को मिस्टर गु के साथ मिलाती है, जहाँ पर मिस्टर गु यान को देख कर बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं और शीन को अपने पास में रखते हैं। और इन दोनों के बीच में एक आई कॉन्टैक्ट होता है, जिससे समझ आता है कि दोनों एक दूसरे से जेलस फील कर रहे हैं। और वो तीनों जब लंच करने बैठते हैं तो फिर वेट्रेस मेन्यू कार्ड लेकर आती है और इस मेन्यू कार्ड पे भी वो दोनों झगड़ने लगते हैं। तो शीन वो मेन्यू कार्ड लेकर ऑर्डर करने लगती है और इतने में ही उस रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ से गुजरने लगता है। तो वो शीन के पास में आ जाता है और उसे हेलो बोलता है, जहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ कर उसे खींचने लगता है और बोलने लगता है कि मैम हम आपको डिस्काउंट देना चाहते हैं। जहाँ पे शीन उसे अपना हाथ छोड़ने से बोलती है तो वो आदमी अपने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़कर बोलने लगता है कि इतने मुलायम हाथ को कोई कैसे छोड़ सकता है। और इतने में ही येन और मिस्टर गु उठकर उस आदमी को मारने लगते हैं, लेकिन वो आदमी वापस से उठकर शीन के साथ तमीजी करने लगता है
और बहुत बुरा बुरा बोलने लगता है। तो फिर शीन उसे पैर पर लात मार देती है और इतनी में ही वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है। तो फिर वो अपने बड़े भाई से चगली करने लगता है और उन तीनों को नीचा दिखाने लगता है। और यहाँ पर उसका भाई ही अपने छोटे भाई को थप्पड़ मारकर बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ बदतमीजी कर रहे हो? ये मिस्टर गू है, गू ग्रुप के हेड पर्सन। और यहाँ पर यन चैलेंज होकर आगे आकर बोलने लगता है कि मैं यन हूँ, शेन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट। और यहाँ पर उसका बड़ा भाई एक बार फिर से उसे थप्पड़ मारने लगता है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रात के समय शीन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, जहाँ पर वो मिस्टर गू को धमकी देने लगती है कि अगर तुमने मुझे बिट्रे किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जहाँ पर मिस्टर गू हंस के बोलने लगते हैं कि तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है। जब वो उसे उठा कर ले जाने लगते हैं तो वो बेड पर वापस से गिर जाते हैं और उन दोनों में किस हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शीन उठती है तो मिस्टर गू उसके लिए हैंगओवर सूप बना के लाते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि किस तरह से तुमने मुझे धक्का मारा था। और यहाँ पर मिस्टर गू अपना लव शीन से कन्फेस करते हैं और बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें रियल लाइफ में पसंद करने लगा हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन मेरी बेटी की रियल मॉम हो। दूसरी ओर मिस्टर गू को किसी का कॉल आता है और वो कॉल होता है शीन की बहन का, जो उसे वहाँ पर हॉस्पिटल में आने के लिए बोलती है। तो सभी लोग हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वो सभी को सच्चाई बताने की कोशिश करती है और बोलती है कि ये मेरी ग्रैंड मॉम है और इन्हें सारी सच्चाई पता है। फिर शीन की बहन उसकी ग्रैंड माँ को सारी सच्चाई बताने के लिए बोलने लगती है, जहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ उन्हें बताने लगती है कि 5 साल पहले क्या क्या हुआ था और कैसे उसे उसका बच्चा छीना गया था। जहाँ पर सभी को उसकी बातों पर विश्वास होने लगता है और यहाँ पर ग्रैंड माँ मैंग मैंग का हाथ पकड़ कर उसकी बहन किसने लगती है। तो मैंग मैंग चिल्लाने लगती है कि ये मेरी रियल मम हो ही नहीं सकती, ये तो बहुत बुरी है। जहाँ पे उसकी बहन उसे बहुत स्कैरी लुक देती है। इसके बाद में वो बोलने लगती है कि शीन बहुत झूठी इंसान है और वो एक पिच भी है, वो कब किसी के खिलाफ पलट जाए आप नहीं बोल सकते और ये सभी से झूठ बोल रही है। इसकी बेटी असल में कोई और है, मैं इसकी रियल मॉम हूँ। यहाँ पर फिर सबके बीच में झगड़ा होने लगता है। उसी और हम शीन के फ्रेंड यान को देखते हैं, जिसके पास डीएनए टेस्ट का रिजल्ट होता है और वो सारे रिजल्ट्स लेकर दूसरे हॉस्पिटल पहुँच रहा होता है। यहाँ पर शीन की बहन उसे बोलने लगती है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें झूठ लग रही है तो क्यों ना हम डीएनए टेस्ट कर देख लें। तो फिर शीन की बहन उसे अपना बाल देती है और मिस्टर गू भी अपनी बेटी का बाल डॉक्टर को देते हैं और शीन की बहन डॉक्टर की तरफ इशारा करती है, जहाँ पे हमें समझ में आने लगता है कि उसने डॉक्टर के साथ पहले से ही सेटिंग कर रखी है। इसके बाद में जब डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि असल में शीन नहीं बल्कि शीन की बहन ही मैंग मैंग की रियल मॉम है। यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और इतने में ही येन अपनी रियल रिपोर्ट लेकर आ जाता है और वो सबको वो वाली रिपोर्ट बताने लगता है। तो फिर वो बोलने लगती है कि ये रिपोर्ट तो एक फेक रिपोर्ट है और इसमें सारी झूठ लिखे हुए हैं। जहाँ पर शीन सबको समझाने की कोशिश करती है कि ये कोई फेक रिपोर्ट नहीं है, ये एक रियल रिपोर्ट है। तो उसकी बहन बोलती है कि ये जो रिपोर्ट मैंने निकाली है वो तो अभी अभी डॉक्टर ने ला कर दी है। सगो की बहन बोलने लगती है कि तुम दोनों आपस में झगड़ना बंद करो, अगर ऐसा है तो हम एक न्यू हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ पर ये टेस्ट करवाएंगे। तो वो सभी लोग वो नए वाले हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जहाँ पर टेस्ट रिजल्ट आने का लोग वेट कर रहे होते हैं और इतने में ही रिजल्ट आ जाता है। जहाँ पर मिस्टर गू को रिजल्ट पता चलता है तो वो ग्रैंड माँ को वो रिपोर्ट देते हैं। तो ग्रैंड माँ सारी सच्चाई बोलने लगती है और कहने लगती है कि इस औरत ने मुझे पैसे दिए थे और मुझे बहुत ज़्यादा लालची बना दिया और कहा कि अगर मैं ऐसा ऐसा नाटक करूँगी और बोलूँगी तो वो मुझे बहुत सारे पैसे और शेयर्स देंगी तुम्हारी कंपनी के, इसके लिए मैंने ये सब झूठ बोला। सीन में हम मिस्टर गू के फ्रेंड को देखते हैं, जो मिस्टर गू को बड़ी चलाकी से अपने यहाँ पर बुलाता है और इतने में ही वो अपने बॉडीगार्ड को भी वहाँ पर बुलाता है और इससे
जब पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी सारी तैयारी हो चुकी है, तो फिर उसका बॉडीगार्ड उसे बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर रखी है। और इतने में ही मिस्टर गु वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई पहले से ही पता होती है कि कैसे उसका फ्रेंड उसके खिलाफ सारे षड्यंत्र रच रहा है और इतने गहरे गहरे प्लान्स बना रहा है ताकि वो मिस्टर गु को मार सके और वो कंपनी को हासिल कर सके। इसके बाद में मिस्टर गु बोलने लगते हैं कि तुम मेरे सिक्योरिटी का सामना नहीं कर पाओगे। तो वो बॉडीगार्ड बोलता है कि हमारे पास और भी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स हैं, मैं अकेला यहाँ पर नहीं हूँ। जहाँ पर उन सब में लड़ाइयाँ होने लगती है और मिस्टर गु भी अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर शीन को सारी बात पता होती है कि असलियत में मिस्टर गु कहाँ पर गए हैं। तो फिर वो यान को कहती है कि तुम फैमिली का यहाँ पे ध्यान रखो, मैं मिस्टर गु को बचा के आती हूँ। इसके बाद में हमारी शीन एक सुपर बाइक में अपनी एंट्री लेती है और वो अंदर जा रही होती है कि बॉडीगार्ड्स उसे रोकने लगते हैं। तो फिर शीन उन सभी बॉडीगार्ड्स को एक एक कर मजा चखाने लगती है और फिर वो अंदर चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस्टर गु ने उस बॉडीगार्ड को अपना बंदी बना लिया है और उसके फ़ोन से वो अपने फ्रेंड को टेक्स्ट करता है कि हमने मिस्टर गु को ठिकाने लगा दिया है, आप चर्च वापस आ सकते हो। यहाँ पे हमें पता होता है कि मिस्टर गु को सारी सच्चाई पता है, इसके लिए वो उसके फ्रेंड को झूठा टेक्स्ट डालते हैं ताकि वो यहाँ पर आए और पकड़ा जाए। इसके बाद में वो वहाँ पर आता है और वो वहाँ पर पकड़ा जाता है, जहाँ पे वो मिस्टर गु को देख के शॉक हो जाता है। तो मिस्टर गु भी उसे अपनी बातों में उलझा देते हैं और बोलने लगते हैं कि उन्हें पहले से ही सारी सच्चाई पता थी। इतने में ही वहाँ पर शीन आ जाती है, जहाँ पर मिस्टर गु थोड़े से डर जाते हैं कि कहीं कोई शीन को नुकसान ना पहुँचा दे और उसे हर्ट ना कर दे। तो दो बॉडीगार्ड्स वहाँ पर वापस से आ जाते हैं। तो शीन मिस्टर गु को बोलने लगती है कि आप मेरी टेंशन ना लो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। जहाँ पर शीन उन दोनों बॉडीगार्ड्स को बहुत मज़ा चखाती है। इसके बाद में मिस्टर गु अपने फ्रेंड को अरेस्ट करवा देते हैं और इसके बाद में वो लोग घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर गु शीन को पीछे से बुलाते हैं और वो अपनी नीस पर बैठकर उसे एक रिंग के साथ प्रपोज करते हैं और बोलने लगते हैं कि भले मैं स्टार्टिंग में तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहे और एक नई फैमिली बनाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।